आएंगे और व्यवस्था क्या की गई है? देखो, जैसे कि आप देख रहे हो कि राउतुलाराम स्टेडियम में रिवाड़ी में हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके आर्मी ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भर्ती की पूरी कार्रवाइयाँ की हुई हैं। ये भर्ती 19 की रात को लेके रात को शुरू होगी और 27 तारीख तक चलेगी। हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस दौरान बारिश कम हो, थोड़ी छोटी मोटी बारिश होने से हम अपनी भर्ती की कार्रवाई को चालू रखेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा तेज बारिश होगी तो हमारे पास रिजर्व डे है, उस दिन को उन जिला के बारे में, उन जिला का जो भर्ती होगी वो हम उन दिनों में करेंगे। अभी हमारे पास 4 जिले हैं, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और रिवाड़ी। हम शुरुआत कर रहे हैं 20 और 21 तारीख को भिवानी से, और 22 और 23 तारीख को महेंद्रगढ़ से, 24-25 तारीख को चरखी दादरी, और 25 और 26 तारीख को रिवाड़ी। अभी इसमें किसी भी दिन जब बारिश होगी वो ऑटोमेटिकली लास्ट डे चला जाएगा। तो मैं आज चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को, अपने जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं उन सबको ये बताएं कि भाई अगर बारिश हुई तो वो उस दिन की जो भर्ती है वो लास्ट दिन में चला जाएगा। उसका हम आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू और जो नोटिस निकालेंगे उसके थ्रू हम बताएंगे। और इस तरीके से प्लान किया गया है कि लगभग एक दिन 4,500 से 5,000 लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, आएंगे, और इनके जाने आने की व्यवस्था के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रेलवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब से बंदोबस्त किया है, और गाड़ियां वगैरह जो है स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की वो रात को भी चलेंगी यहाँ से रेलवे स्टेशन, यहाँ से बस स्टैंड, और यहाँ से जिस भी डिस्ट्रिक्ट का उस दिन भर्ती का दिन है उस डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड तक यहाँ से गाड़ी जाएगी। तो ये DC साहब ने बंदोबस्त किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों को सहूलियत होगी, उनके पेरेंट्स के लिए भी सहूलियत होगी। और अब इन्होंने ऐसा किया कि भाई इन्होंने नोटिफिकेशन निकलता है, 60 दिन का समय होता है नोटिफिकेशन के टाइम। इस 60 दिन के समय में हमारे पास जो रिक्रूटिंग ऑफिस है उसके पास भी पावर है कि देख सकें कि उस एप्लीकेशन में क्या गलत हुआ, लेकिन इस 60 दिन के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। जो ये 60 दिन हो रहे थे वो 4 तारीख को हो रहे थे, 4 जुलाई को रात को, और 4 जुलाई रात को जिन जिन की एप्लीकेशन पूरी नहीं थी, जिन्होंने सबमिट नहीं किया, उनकी एप्लीकेशन का मैसेज चला गया उनके ईमेल में कि आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाया है, इनकम्प्लीट होने की वजह से सबमिट नहीं हो पाया, और तब ये बच्चे फिर हमारे पास आने लगे। जिन बच्चों का रोल नंबर था और जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया उनकी हमने मदद करी, और वो छोटा नंबर नहीं है, 650 बच्चे वहाँ, और बाकी यहाँ आने के बाद भी मैंने 100-150 बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। लेकिन जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिनके पास रोल नंबर नहीं है, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, और मैंने ये उनको सबको समझाया। कल परसों जितने भी बच्चे आए हैं वो मान गए हैं, वो गए हैं, और उनको प्रोत्साहित किया है कि अगली बार इस बात का ध्यान रखें और अपने ज़िले में, अपने स्टेट, अपने अगल बगल में वो इस बात को फैलाएं कि भाई जो आप किसी को दे रहे हो उसको लास्ट दिन तक छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसको जो 100 रुपये मिलने हैं उसको मिल गए, और इस बच्चे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस बच्चे का पूरा एक साल उसके 100 रुपये में ख़राब कर दिए, क्योंकि उसको 100 रुपये कमाने के लिए क्या है, उसको 80-100 कैंडिडेट चाहिए, वो सबसे पैसे ले लिए उसने, एक के ऊपर एक फॉर्म रख दिया, कुछ बच्चों का हो गया, कुछ बच्चों का नहीं हुआ। 30,000 बच्चों का रोल नंबर निकला है, एडमिट कार्ड निकला है, तो इसका मतलब सिस्टम तो ठीक चल रहा है। 60 दिन में 30,000 बच्चे, ठीक है, तो प्रतिदिन 500, तो इनका यही हुआ है इन बच्चों के साथ, जो कि बहुत बुरा हुआ है। मैं इस बात को बहुत, मेरी उनसे सहानुभूति है, ठीक है। तो आपका एक सर मीडिया सर एंट्रेंस रहेगा, हाँ, तो अभी 11 बजे का टाइम है, आप मीडिया के थ्रू सबको ये बताएं। नंबर दो, दूसरी चीज़ ये कि नंबर दो के कार्रवाई में मत पड़ें। जो ये लोग बच्चे हैं जिनकी एप्लीकेशन नहीं आई होगी, इनसे भी बाकी लोग पीछे पड़े होंगे कि भाई हम करा देंगे, ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो बस वो उनसे पैसे लेने के चक्कर में रहेंगे। तो नंबर दो की कार्रवाई में ना रहें, नहीं हो सकता, और हमारा प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट है, कोई भी देख सकता है, कोई भी उसके बारे में पूछ सकता है, हम सब बताएंगे। तो ये जो बाहर के लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से थोड़ा पैसा बना लें, जो दलाल हैं, जो गलत, जिनकी इच्छा ही गलत है, जो सोच ही गलत है, उन लोगों से ये बच्चे थोड़ा दूर रहे।
क्योंकि इन बच्चों के सामने पूरा भविष्य पड़ा है, 20-21 साल के हैं, और कोई केस हो जाए तो पूरा लाइफ ख़राब हो जाएगी उनकी। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों के थ्रू कि ये गलत रास्ते का इस्तेमाल ना करें।